दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं चिकागो न्यूमेटिका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर के बारे में कि चिकागो न्यूमेटिका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर जिसका मॉडल नंबर है NX2T40। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह कंप्रेसर कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या अपने इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रोटेक्शन लगे रहते हैं और क्या क्या सेंसर लगा रहता है और इसमें कैसे काम करता है, इसका कैसे साइकिल रहता है, वाटर साइकिल, ऑयल साइकिल, और इसमें एलिमेंट वन, एलिमेंट टू और जो इसके कंट्रोलर होते हैं और जो स्टार्टर पैनल लगे रहते हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे हम A to Z इसमें पूरा इसका वर्किंग सिस्टम बताए हैं, कैसे काम करता है और इसमें पूरा जो इक्विपमेंट लगे हैं, एक इक्विपमेंट के बारे में बताए हैं कि कौन से इक्विपमेंट का क्या क्या काम रहता है। तो दोस्तों चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि जो चिकागो न्यूमेटिका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर है कैसे काम करता है। दोस्तों जो कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर जो मेनली कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है सेंट्रीफ्यूजल टाइप का और एक दूसरा होता है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। तो दोस्तों ये जो हमारा चिकागो न्यूमेटिक वाला ये जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है। तो दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टाइप वाला उसे बोलते हैं जिसमें एक पिस्टन लगा रहता है, यानी इसको पिस्टन कंप्रेसर भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कौन सा कंप्रेसर किस प्रिंसिपल पर काम करता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो दोस्तों ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का एयर कंप्रेसर है, इसमें दो हमारे सिलेंडर लगे रहते हैं और दोनों में पिस्टन लगा रहता है। तो पिस्टन के द्वारा आगे पीछे मूव करने की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है, एयर का प्रेशर डेवलप होता है और उसी को कंप्रेस करता है और आउटलेट में निकलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारा चिकागो न्यूमेटिका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बताएंगे कि कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या क्या प्रोटेक्शन रहता है। तो दोस्तों ये जो हमारा चिकागो न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर है ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है। तो दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो कंप्रेसर है उसको पिस्टन कंप्रेसर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पिस्टन लगे रहते हैं, एक सिलेंडर के अंदर में पिस्टन रहता है और पिस्टन भी जो होता है वो आगे पीछे होता है तो प्रेशर डेवलप करता है। तो दोस्तों यही होता है रेसिप्रोकेटिंग का मतलब। हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कंप्रेसर कितने टाइप का होता है, रेसिप्रोकेटिंग और जो एक सेंट्रीफ्यूजल कंप्रेसर होता है वो क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप ये इसका, ये हमारे चिकागो न्यूमेटिक का इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर है, इसका मॉडल नंबर है HX2T40, ये इसका मॉडल नंबर है। चलिए आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देते हैं कहाँ पे सब लिखा रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है, सारे इसके मॉडल नंबर, मेक और सारे और सारे जो डिस्क्रिप्शन है सब लिखे रहता है। तो चलिए एक एक करके सारे पार्ट्स को दिखाते हैं क्या क्या है और किसका क्या काम रहता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये जो हमारा है इसमें एक रेडिएटर लगा रहता है और फिल्टर लगा रहता है। रेडिएटर का काम रहता है दोस्तों जो इसमें कूलिंग वाटर यूज किया जाता है उसी वाटर को कूल करने के लिए इसमें पे रेडिएटर का यूज किया जाता है, जैसे बहुत जगह जनरेटर वगैरह में लगा रहता है तो इसी प्रकार के यहाँ भी एक रेडिएटर का यूज किया गया है। यहाँ पे पीछे, यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गैप है, वहाँ पे गैस्केट दिया गया है। तो पीछे वाला हिस्सा रेडिएटर का है और आगे वाला हिस्सा फिल्टर का है। फिल्टर ये वाटर कूल, वहाँ पे ये एयर कूल्ड फिल्टर दिया गया है, यानी कि जो कंप्रेसर का जो एयर है इनलेट और आउटलेट एयर उसको एयर के द्वारा ठंडा करने के लिए यहाँ पे एयर कूल सिस्टम दिया है इंटरकूलर और आफ्टर कूलर के लिए। तो और उसके पीछे जो रेडिएटर है, रेडिएटर का काम रहता है दोस्तों जो इसमें कूलिंग वाटर यूज किया गया है उसको ठंडा करने के लिए। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इसका पूरा सर्कल साइकिल समझाते हैं और पार्ट्स का नाम बता देते हैं कि क्या क्या लगा है, शुरुआत से आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा कंप्रेसर होता है डुअल स्टेज है, इसमें दो स्टेज में एयर को कंप्रेस करता है। तो दोस्तों इसमें इसके लिए दो एलिमेंट होते हैं, स्टेज वन और स्टेज टू। तो ये देखिए ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा स्टेज वन का है, यहाँ पे स्टेज दो इसमें सिलेंडर लगे रहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये कंप्रेसर का पार्ट है, इधर वाला ये टोटली कंप्रेसर का पार्ट्स है, दिखा देते हैं आपको इधर से। ये देखिए इधर का ये टोटल कंप्रेसर का पार्ट है। तो ये हमारा एलिमेंट वन बोलते स्टेज वन है जिसको एलिमेंट वन बोलते हैं, यहाँ से एयर सक्शन करता है, ये नीचे वाला यहाँ पे सक्शन और फिल्टर दोनों इसमें रहता है। तो यहाँ पे एयर सक्शन होता है और ये एलिमेंट वन है हमारा स्टेज वन, इसके अंदर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा रहता है।
तो दोस्तों ये एयर को कंप्रेस करता है, यहाँ पे 2 से 2.5 kg का प्रेशर डेवलप होता है और ये यहाँ पे एक सेफ्टी वाल लगा रहता है और एयर को स्टोर करता है। और यहाँ से ये एलिमेंट 1 का आउटलेट है, आउटलेट होकर दोस्तों यहाँ पे आता है फिल्टर में, और फिल्टर में दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे आता है, नीचे पे भी एक स्टोरेज टैंक दिया गया है और इसी स्टोरेज टैंक में देखिए एक प्रेशर सेंसर दिया गया रहता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट 1 का आउटलेट प्रेशर। यहाँ पे देखिए एलिमेंट 1 का आउटलेट प्रेशर सेंस करता है, इसका हम दिखाएंगे कैसे पैनल में कहाँ पर रहता है। तो दोस्तों ये है हमारा एलिमेंट 1 का आउटलेट प्रेशर। और दोस्तों देखिए यहाँ से जब आता है तो इसमें से ये नीचे से निकलता है, ये देखिए इसमें गया है, इसमें से फिर बाहर जाके ये निकल रहा है, एलिमेंट 1 का आउटलेट निकल के ये गया दोस्तों यहाँ पे, ये एलिमेंट 2 है, यानी कि यहाँ पे सेकेंड स्टेज होता है, दूसरा स्टेज। इसके अंदर भी ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा रहता है, तो आपको साइड में दिख रहा होगा दोस्तों कैसे काम करता है, सिलेंडर आगे पीछे होता है तो एयर को कंप्रेस करता है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर से देखिए स्टेज 1 का जो आउटलेट आ रहा है उसमें 2 से 2.5 kg का प्रेशर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है यहाँ पे एयर को फुली कंप्रेस करता है, यानी कि 6 से 7 kg का प्रेशर डेवलप करता है। और दोस्तों एलिमेंट 2 का ये डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज को दोस्तों फिर देखिए इसमें आ रहा है यहाँ पे, दोस्तों यहाँ से जब निकल के जा रहा है तो इसमें आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एलिमेंट 1 का निकल के यहाँ से नीचे वाला पाइप जो गया है वो एलिमेंट 2 में जा रहा है, फिर एलिमेंट 2 से निकल के जो आ रहा है वो दोस्तों ऊपर से ये वाला आ रहा है डिस्चार्ज होकर, तो डिस्चार्ज होकर फिर नीचे से ये निकला, और यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए ये इसका प्रेशर वेसल है, इसमें फाइनल जो प्रेशर है वो इसको स्टोर करने के लिए दिया गया रहता है। और यहाँ पे दोस्तों यही है, ये हमारा लोड अनलोड का SOV रहता है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा है लोड सेट पॉइंट अनलोड सेट पॉइंट, तो इस यही वाला जो SOV है इसको लोड और अनलोड कराता है कंप्रेसर को। और यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर सेंस करने के लिए प्रेशर स्विच लगा रहता है। तो दोस्तों इस कंप्रेसर में टोटल 3 हमारे प्रेशर स्विच लगे रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है एलिमेंट 1 का आउटलेट, और ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर। और दोस्तों एक यहाँ पे देखिए एक आयल के प्रेशर के लिए यहाँ पे कंप्रेसर का सिस्टम है, उसमें आयल फिल किया जाता है, तो वहाँ पे आयल का प्रेशर बताने के लिए एक प्रेशर स्विच लगा रहता है। और ये एलिमेंट 2 में एक टेम्परेचर सेंसर का प्रोवाइड किया गया है, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर दिया गया है, वो कंप्रेसर में आयल फिल किया जाता है, आयल प्रेशर को सेंस करने के लिए प्रेशर सेंसर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा है एलिमेंट 2 का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, ये देख पा रहे होंगे, और ये प्रेशर वेसल इसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये सेकेंड 2 स्टेज में कंप्रेसर हमारा काम करता है, तो ये उधर वाला हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज, इधर वाला सेकेंड स्टेज, इसको एलिमेंट बोलते हैं, उधर वाला एलिमेंट 1 हो गया, इधर वाला एलिमेंट 2 हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज में 2 से 2.5 kg तक प्रेशर डेवलप होने के बाद फिर यहाँ पे फिल्टर में आता है इंटरकूलर में, इंटरकूलर से फिल्टर थोड़ा कूल होने के बाद फिर ये निकल के आता है आफ्टर कूलर में। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आफ्टर कूलर से होता है एलिमेंट 2 में आया, एलिमेंट 2 में ये नीचे से आया एलिमेंट 2 में, यहाँ पे प्रेशर पूरा 6 से 7 kg डेवलप होने के बाद ये फिर आउट होकर यहाँ पे जा रहा है फिर से फिल्टर में, आफ्टर कूलर में यहाँ पे फिर यहाँ ठंडा होने के बाद तब ये फाइनली इस प्रेशर वेसल इसमें आ रहा है, यहाँ से फिर डिस्चार्ज होकर फिर जहाँ जाना रहे वहाँ पर चला जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा एयर डेवलप करने का प्रोसेस है इसका, चलिए अब अभी आपको दिखाते हैं इसमें और कौन कौन से हमारे पार्ट्स लगे रहते हैं। और दोस्तों इसके अंदर देखिए ये हमारे इसको सर्ज टैंक है, इसको सर्ज टैंक बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं इसका क्या काम रहता है सर्ज टैंक का। तो दोस्तों ये देखिए ये जो हमारा पंप लगा रहता है वाटर कूलिंग वाटर पंप, ये कूलिंग वाटर पंप का काम रहता है, इसमें जो कूलिंग वाटर है उसको सर्कुलेट करना, पूरे कंप्रेसर में सर्कुलेट करता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये वाटर फिलिंग के लिए दिया गया रहता है, जब वाटर कम होता है तो यहाँ से फिल करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेनर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से ये देखिए ये इसका इनलेट है, यहाँ से वाटर पंप इनलेट इसको सक्शन करता है, फिर ये देखिए पूरे कंप्रेसर में इसका पानी जाता है, फिर कंप्रेसर को कूल करते हुए दोस्तों उधर से निकल के फिर रेडिएटर में आता है। रेडिएटर को देखिए रेडिएटर में फ़ैन लगा रहता है दोस्तों, यहाँ पे एक फ़ैन रहता है, ये फ़ैन को चलाने के लिए मोटर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये मोटर ये हो गया, ये कूलिंग वाटर पंप का ये मोटर हो गया, और एक मेन मोटर होता है कंप्रेसर को चलाने के लिए, तो टोटल इसमें 3 मोटर लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रेडिएटर है, रेडिएटर में देखिए यही वाला जो पानी है कूलिंग वाटर पानी,
वाटर ये सारे उधर सर्कुलेट करते हुए इसमें आता है, इसमें ठंडा होता है, पर उधर से निकल के जो आता है वो गर्म रहता है, फिर नीचे आके इसमें ठंडा होकर फिर इधर से आता है, फिर ये पंप इसको सर्कुलेट, ये सर्कल पूरा चलता रहता है, जब कंप्रेसर हमारा चलता है तो ये सर्कल चलता रहता है। तो दोस्तों ये कूलिंग वाटर पंप है जो कि वाटर को सर्कुलेट कराता है, और रेडिएटर का यूज हमने बताया कि ये जो कूलिंग वाटर है उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर का यूज किया गया है। और ये दोस्तों ये सर्ज टैंक है, सर्ज टैंक का काम क्या रहता है, ये दोस्तों जो कूलिंग वाटर यूज किया गया, अगर उनका अचानक से अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसको हैंडल करने के लिए ये जो सर्ज टैंक है उस प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेता है, और कभी कभी अगर वाटर प्रेशर डाउन होता है तो उस प्रेशर को मेंटेन करने में भी काम आता है ये हमारा ये सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक का यही काम रहता है दोस्तों कि जो कूलिंग वाटर है उसका प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सर्ज टैंक प्रोवाइड किया गया रहता है ये टॉप पे। और दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी वाल है, देखिए अगर डिजायर प्रेशर सेट पॉइंट से अगर एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें डेवलप होता है तो उसको बाहर करने के लिए यहाँ पे एक सेफ्टी वाल दिया गया रहता है। तो दोस्तों यही काम है, और दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे एक पतला पतला ये क्यू ट्यूब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये पूरे इधर से लेकर सारे सर्कुलेट किया गया है पूरे कंप्रेसर में ही। और यहाँ पे देखिए एक वाटर फ्लो स्विच लगाया गया है, जब ये पंप चलता है कूलिंग वाटर पंप चलता है तो ये इंडिकेटर फ्लो स्विच यहाँ पे लगा है, ये फ्लो स्विच हमारा बताता है कि फ्लो हो रहा है कि नहीं, वाटर पंप चलता है तो फ्लो को इंडिकेट कराता है कि फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सर्विस एयर क्लीनिंग लगा रहता है, ये दोस्तों इससे पता चल जाता है कि सर्विस होने के लायक हो गया है, इसमें जब इसके अंदर एक फिल्टर लगा रहता है वो पूरा जब डस्टी हो जाता है तो इसको ये मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका इंडिकेटर लगाया गया है तो उसका यही इसका यही काम रहता है कि पता चल जाता है कि इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, पूरा डस्टी हो जाता है तो सर्विस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, एक पिस्टन इधर रहता है सिलेंडर, और एक सिलेंडर दूसरी साइड रहता है, और बीच में ये हमारा कंप्रेसर का पूरा सिस्टम रहता है ये। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चैन और वो गियर और यहाँ बेल्ट दिया गया रहता है, ये इसका कवर है, गार्ड दिया गया रहता है, और ये हमारा मेन मोटर है कंप्रेसर मोटर, ये देखिए कंप्रेसर मोटर है, और वहाँ पे व्हील लगा रहता है, व्हील और बेल्ट लगे रहते हैं इसके अंदर में, व्हील और उसी बेल्ट के सारे मोटर जो है वो कंप्रेसर को चलाता है। और देखिए इसी कंप्रेसर के बीच में दोस्तों एक क्रैंक शाफ्ट लगा रहता है, वो क्रैंक शाफ्ट क्या करता है दोस्तों कि क्रैंक शाफ्ट दोनों पिस्टन को जुड़ा रहता है, दोनों सिलेंडर को, उस दोनों सिलेंडर में जो पिस्टन लगे रहते हैं उन दोनों जुड़े रहते हैं, तो दोनों पिस्टन एक साथ आगे पीछे होता है तो स्टेज वन और स्टेज टू दोनों ऑपरेट होता है। तो दोस्तों यही काम रहता है इसका। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कूलिंग वाटर का पाइप है आउट हो गया आ रहा है पूरा कंप्रेसर से आउटलेट होने के बाद, ये वाटर जो होता है यहाँ पे हीट हो गया रहता है, तो दोस्तों हीट होके इसमें आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखने के लिए ग्लास लगाया गया रहता है, यहाँ से दिखता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ओवर प्रेशर अगर प्रेशर होता है तो प्रेशर रिलीज होकर वाटर ऊपर चला जाता है उसमें सर्ज टैंक में, सर्ज टैंक उसको स्टोर कर लेता है ओवर प्रेशर होता है तो। और दोस्तों अगर इनकेस यहाँ पे प्रेशर सेट पॉइंट से जितना चाहिए उससे डाउन होता है तो उसमें से फिर इस लेवल को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए भी रहता है, और यहाँ से फिर जो दूसरा पाइप रहता है उसमें से डाउन होकर निकल जाता है फिर, और सीधा पंप के कूलिंग वाटर पंप है वहाँ पे चला जाता है और फिर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो सर्ज टैंक का यही काम रहता है दोस्तों, कूलिंग वाटर जो रहता है उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगा रहता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लोड अनलोड जो है सभी लगा रहता है, तो ये वाला जो इसमें एयर गिर जाता है दोस्तों, यही वाला एयर जो होता है वो कंप्रेसर को लोड और अनलोड कराता है, और उससे ये वाला जो ट्यूब है पतला वाला, ये ट्यूब देखिए पूरा जो अभी पहले दिखा रहे थे ये नीचे पूरा हर जगह इसका टाइपिंग दिया गया, पूरे कंप्रेसर का जो पार्ट है उसमें पूरा इसका ये नीले वाले का ट्यूब का कनेक्शन किया गया रहता है, तो एक कंप्रेसर को लोड और अनलोड कराने के लिए दिया गया रहता है, इसमें एयर जाता है और इसको इस एयर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लोड और अनलोड एसओ भी लगाया गया रहता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एयर का टाइपिंग करके इसके ऊपर दिया गया रहता है, और ये जो एयर है दोस्तों ये इस एयर को यहाँ पे एसओ भी कंट्रोल किया रहता है, जब इसमें कमांड आता है दोस्तों तो एयर बंद कर देता है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में इसमें एयर जाता रहता है। तो ये वाला एसओ भी जो है कंप्रेसर को लोड और अनलोड कराता है, और ये जो ट्यूबिंग है उसी के लिए दिया गया रहता है, सारे कंप्रेसर में दिया गया रहता है, पूरे हर जगह कई जगह टाइपिंग किया गया रहता है। तो दोस्तों यही था, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया डिस्चार्ज प्रेशर का ये टेम्परेचर प्रेशर स्विच है। तो दोस्तों इसमें हमारा तीन टो प्रेशर स्विच है, एक ये हमारा एलिमेंट वन का आउटलेट, एक कंप्रेसर आउटलेट यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर,
और इसके अंदर एक जो दिखाई दे आपको ऑयल प्रेशर के लिए, तो तीन हमारा प्रेशर स्विच हो गया। उसके बाद देखिए टेम्परेचर के लिए कि हमें यहाँ पे एलिमेंट टू का है, एलिमेंट टू का टेम्परेचर के लिए दिया गया है, और यहाँ एक और दिया गया रहता है यहाँ पे दोस्तों ऑयल टेम्परेचर के लिए दिया गया रहता है। प्रेशर स्विच के पास में ही एक ऑयल टेम्परेचर के लिए दिया गया रहता है, तो ऑयल टेम्परेचर का एक रहता है। और ये दोस्तों हमारा ये सीपीट्रॉनिक इसका पैनल है, न्यूमेटिक पैनल, यानी इसमें स्टार्टर भी रहता है और कंट्रोल पैनल दोनों रहते हैं इसमें। तो इसका हम वीडियो आपको अलग से दिखा देंगे, इसके अंदर क्या डाटा कैसे सेट करते हैं, वैल्यू पैरामीटर कैसे चेंज करते हैं, और क्या क्या प्रोटेक्शन रहता है, और इसके क्या क्या सेटिंग रहते हैं, वो दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे इसका पूरा प्रोसेस कि कैसे काम करता है हमारा चिकागो न्यूमेटिक का इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर HX2T या 40 इसका मॉडल। तो दोस्तों इसी सब सारे जो सेंसर लगे रहते हैं, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर और लोड अनलोड SOV, जब दोस्तों ये सब काम नहीं करता है या फिर ये गलत वैल्यू दिखाता है तो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप होता है या फिर कोई फॉल्ट आने लगता है। और दोस्तों यहाँ पे भी देखिए डिस्चार्ज लाइन में भी एक सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड किया गया रहता है अगर ओवर प्रेशर होता है तो उसको आउट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एक पॉइंट दिया है ऑयल को रिमूव करने के लिए, ऊपर से इसमें ऑयल फिल किया जाता है और गियर ऑयल होता है गियर बॉक्स में जो ऑयल फिल किया जाता है, और नीचे से यहाँ पे ऑयल को ट्रेन करने के लिए दिया गया रहता है। तो ये हमारा पूरा गियर बॉक्स रहता है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जो एक लगा रहता है वो इसी के अंदर लगा रहता है क्रैंक, वो साइड में आपको वीडियो में दिख रहा होगा किस प्रकार से क्रैंक शाफ्ट काम करता है। और दोस्तों यही था हमारा पूरा चिकागो कंप्रेसर। अब दोस्तों इसमें टोटल तीन SOV लगे रहते हैं, तीन SOV में दोस्तों ये पहला हमारा देखिए लोड अनलोड SOV, एक यहाँ पे रोटेक्स का लगा रहता है लोड अनलोड का SOV, और दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटर कूलर आफ्टर कूलर का दो ऑटो ड्रेन SOV लगे रहते हैं। ये हमारे एक देखिए एक इसमें से निकल के आ रहा है वो जैसे Q2, और ये इधर से दूसरे वाले में से इस वाले में से निकल के आ रहा है आफ्टर कूलर में का, ये हमारा इंटर कूलर का है। तो एक इंटर कूलर का हो गया, एक आफ्टर कूलर का हो गया, दो ऑटो ड्रेन के SOV लगे हैं। तो ये भी रोटेक्स के ही हमारे डायरेक्ट एक्टिंग टाइप का सोलेनाइड वाल्व है जो कि ऑटो ड्रेन में यूज किया गया रहता है, और यहाँ पे इसका मैनिफोल्ड है, यहाँ पर मैनिफोल्ड से दोनों कनेक्ट है, और ये ऑटो ड्रेन है। ऑटो ड्रेन होकर यहाँ से जो मॉइस्चर आता है एयर में वो यहाँ से ड्रेन हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ये दोस्तों पूरा साइकिल था कंप्रेसर का कैसे काम करता है और क्या क्या हमारे प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगे रहते हैं और कौन सा पार्ट का क्या काम रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा कि किसका क्या काम रहता है। और दोस्तों इस पैनल की जानकारी हम आगे आपको दिखा दें, बता देंगे किसमें क्या किस में हमारा कंट्रोलर में क्या क्या लगा रहता है। चलिए इसके अंदर का दोस्तों ये हमारा कंट्रोलर है, SMI कंट्रोलर ये है CP-Tronic का, इसके ये हमारे सारे सेंसर और प्रोटेक्शन जो इसमें रहते हैं वो कनेक्ट रहता है। और दोस्तों ये हमारा देखिए स्टार डेल्टा यहाँ पे स्टार्टर लगा रहता है मोटर का, जो मेन मोटर है उसका स्टार डेल्टा स्टार्टर, और यहाँ पे एक फैन मोटर का रहता है और कूलिंग वाटर पंप का मोटर का रहता है स्टार्टर यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए अभी कंप्रेसर ऑफ है, इसमें लिखा हुआ है कंप्रेसर ऑफ, और कंप्रेसर आउटलेट यहाँ पे 00 दिखा रहा है। और ये देखो दोस्तों यहाँ पे 00 में देखिए जो सारे पैरामीटर्स होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये तीन हमारे प्रेशर सेंसर है, ऑयल प्रेशर, एलिमेंट वन आउटलेट और एक जो हमारा कंप्रेसर आउटलेट, तीनों प्रेशर देखिए 00 दिखा रहा है दोस्तों। जब ये कंप्रेसर ऑफ रहता है तो तीनों हमारे यहाँ पे 00 रहता है। और दोस्तों जैसे हम देखिए कोई भी सेंसर इसमें अगर खोलेंगे तो वहाँ पे तुरंत फॉल्ट आने लगेगा सेंसर रिमूव करेंगे, तो देखिए सेंसर निकालते कैसे वो देख लीजिए दोस्तों, इसको घुमाएंगे तो अपने आप बाहर आ जाता है, ये देखिए ये हो गया बाहर। ये देखिए इसमें तीन टर्मिनल होता है इसके अंदर, चलिए इसको लगा देते हैं दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पे देखिए ये 11 बार दिखाने लगा, जैसे हम सेंसर को निकालें तुरंत इसमें प्रॉब्लम आने लगा, और जब तक इसको लगा के रिसेट नहीं करेंगे तब तक नहीं शो करेगा कुछ भी। तो इसको रिसेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं, चलिए ये हमारा लग गया, अब लग गया दोस्तों। चलिए इसको रीसेट करेंगे, तो यहाँ पे रीसेट करने के लिए ये दिया है, यहाँ से रीसेट कर दिए
अब लिख दिया ऑल कंडीशंस आर ओके, सब कुछ यानी ओके है। तो दोस्तों ये मेनू बटन दबाएंगे, फिर मेन स्क्रीन पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हट गया है। अब फिर से जाइए, देखिए हेल्दी आ गया है। जैसे निकाले तो दोस्तों तो उसमें फॉल्ट दिखाने लगा था। तो यही है दोस्तों, हमारा ऐसे ही फॉल्ट शो करता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंप्रेसर के पूरे कंट्रोलर के बारे में बताएंगे, कैसे पैरामीटर सेट करते हैं, कैसे कोई वैल्यू इसमें चेक करते हैं, और यदि कोई इसमें फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को कैसे रीसेट करते हैं, यानी कि काम हो जाने के बाद जो फॉल्ट या अलार्म आया रहता है उसको कैसे रीसेट करते हैं इसके अंदर पैरामीटर में जाके, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों दूसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसका पूरा हार्डवेयर और इसका कंट्रोलर का भी पूरा फंक्शन पता चल जाए, कैसे काम करता है इसके अंदर की प्रोग्रामिंग क्या क्या रहती है और पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं, क्या क्या इंटरलॉकिंग और क्या क्या प्रोटेक्शन रहता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से इसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें।